हेलो एवरीवन, एग्जाम्स गार्ड यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएल 2022। सारे महत्वपूर्ण सवाल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप लोग को उसमें से क्वेश्चन इन इस वीडियो में से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो, अब क्वेश्चन ही नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। ये तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आता है आने की उम्मीद पूरी पूरी है, क्योंकि मैचेस से क्रिकेट उसको बहुत, स्पोर्ट्स में क्रिकेट एग्जामिनर को बहुत प्यार रहता है, तो क्रिकेट के क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो फटाफट से वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज आईपीएल 2022 से जो अभी अभी खत्म हुआ है 2 दिन पहले, उससे जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल हम करेंगे। ये देखो, एक प्यार भी लगा दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चलो, ये 10 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक बार नजर डाल दो। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल हो गया, गुजरात टाइटंस फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लखनऊ सुपर जायंट्स, इन्होंने भी पहली बार मैच में पार्ट लिया है, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। टोटल कितनी टीम्स हो गई, 10। ठीक है, अब चलो आ जाओ। ये कौन सा एडिशन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये पूछने लगा कि कौन सा एडिशन था, तो ये था 15वां एडिशन। कब से कब तक खेला गया, 26 मार्च से 29 मई तक खेला गया, ऑब्वियसली 2022 आगे लगा लेना। ठीक है, कहाँ आखिरी मैच, जो फाइनल मैच था वो कहाँ खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में है, वहां फाइनल मैच खेला गया। ठीक है, इस बार 2 नई टीम्स आई, कौन कौन सी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स। गुजरात टाइटन के कैप्टन की बात करें तो कौन थे, हार्दिक पांड्या थे, और अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो कौन थे, केएल राहुल। अगर हम आईपीएल के चेयरमैन की बात करें तो कौन थे, ब्रजेश पटेल। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल मैचेस कितने खेले गए, 74 मैचेस, और टोटल टीम्स अभी हम देख के हैं 10 टीमें थी टोटल। और अगर हम मैचेस की बात करें तो टोटल मैचेस कितने खेले गए, 74, यानी कि 74 मैचेस खेले गए। बढ़ जाए आगे फटाफट से, चलो देखते चलो, आराम से सुनते चलो, वीडियो में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक दो बार वीडियो देखना, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, इससे पहले थॉमस कप का मैंने वीडियो दिया था, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उससे जुड़े हुए वो सारे मैंने उसमें करवाए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप देख लीजिएगा। इसमें आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में प्लस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आप लोगों को, तीनों जगह आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब सर बीसीसीआई मैं क्यों करवा रही हूँ, बीसीसीआई इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आईपीएल का जो आयोजन होता है वो बीसीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। एक बार उसका फुल फॉर्म देख लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, प्रेसिडेंट की बात करें, अभी प्रेजेंट की बात करें तो सौरभ गांगुली जी हैं, और अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें, क्योंकि आजकल पहला भी पूछने लगा है, तो कौन थे, आर ई ग्रांट गोविंद। ठीक, बढ़ जाए आगे फटाफट से। चलो भैया, इस बार कौन जीता, गुजरात टाइटंस जीता है, पहला मैच खेला, और मतलब पहली बार खेला और पहली बार ही ट्रॉफी अपने नाम कर गए ये लोग, तो 20 करोड़ की राशि दी गई। रनर अप कौन रहा, राजस्थान रॉयल रहा। ठीक है, राजस्थान रॉयल रहा, और इसको कितने करोड़, इसको कितने राशि मिलेगी, 12.5 करोड़ की इनको राशि दी गई। कितने से जीता, 7 विकेट से इन्होंने मैच जीता, गुजरात टाइटंस ने कितने से जीता, 7 विकेट से मैच जीता है। अच्छा, राजस्थान रॉयल में इस बार कैप्टन कौन था, फटाफट से क्रिकेट लवर्स कमेंट करके बता दो आप लोग। गुजरात टाइटंस का तो मैं बता ही चुके हैं आप लोग कौन थे, हार्दिक पांड्या जीते। राजस्थान रॉयल्स का फटाफट से कमेंट करके बताओ, जो भी क्रिकेट लवर्स है, मुझे पता है आधी से ज्यादा हमारी जो लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आधी से ज्यादा क्या होंगे, क्रिकेट फैन होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। अब हमने 2022 का तो पढ़ा, 2021 का भी देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। 2021 में कौन जीता था, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी, और रनर अप तब कौन रहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। ठीक है, चलो बढ़ जाओ आगे। अब यहाँ से मेन चालू होते हैं अवार्ड्स, जितने भी जो भी मिली वो सारे आईपीएल से रिलेटेड अभी 2022 में, तो वो अपन सारे पढ़ेंगे। चलो भैया, जॉस बटलर ने इस बार काफी खेल मचाया हुआ था, काफी सारे इनको मिले हैं अवार्ड। ऑरेंज कैप की बात करें तो जॉस बटलर को मिला है राजस्थान रॉयल्स के, 17 मैचों में 863 863 रन बनाए। ऑरेंज कैप क्यों दी जाती है, जो सर्वाधिक रन बनाता है पूरे सीजन में। ठीक है ना, अब इससे याद कर सकते हो, ऑरेंज जूस पी के क्या आ गया, जोश आ गया,
ऑरेंज पी के, ऑरेंज खा के जोश आ गया तो जॉस बटलर ऑरेंज कैप मिल गई। पर्पल कैप की बात करें, ये क्यों दी जाती है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको दिया जाता है। किसको मिला, युजवेंद्र चहल को मिला, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, कितने विकेट लिए, 27 विकेट लिए। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर की बात करें हम कौन थे, उमरान मलिक SRH के, सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की बात करें तो कौन है, दिनेश कार्तिक RCB के। ठीक है, बढ़ जाएंगे फटाफट से, एक बार और देख लो, ऑरेंज कैप जोस बटलर, ऑरेंज कैप खा के जोश आ गया, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल, इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो उमरान मलिक, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की बात करें तो दिनेश कार्तिक। चलो बढ़ जाओगे, गेम चेंजर ऑफ द सीजन की बात करें तो किसको मिला, जोश। अब ये सारे जितने भी उसको मिले ना जॉस बटलर को, वो सारे मैंने इसमें लिखने हैं आपको। ठीक है, गेम चेंजर जॉस बटलर, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्स की बात करें 45 छक्के लगाए इन्होंने जॉस बटलर, सर्वाधिक 4 रन चौके लगाए तो कितने चौके लगाए, 83, ये भी भूल सकता है इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, छक्के कितने लगाए 45, चौके कितने लगाए 83। ठीक है, जॉस बटलर पावर प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला, अब ऑरेंज खा के क्या आई थी, पावर आई थी, जोश आया था ना, जोश, तो जॉस बटलर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये भी किसको मिला, जॉस बटलर को। फटाफट से एक बार देख लो, गेम चेंजर जॉस बटलर, सबसे ज्यादा सिक्स, सबसे ज्यादा चौके, छक्के चौके दोनों जॉस बटलर, पावर प्लेयर जोश पावर जॉस बटलर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन हो गए, जॉस बटलर। चलो भैया बढ़ जाओ आगे, अगर हम बात करें फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन किसको मिला है, लॉकी फर्गसन को जो गुजरात टाइटंस के हैं। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन किसको मिला, एविन लुइस को मिला, LSG के हैं। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स। फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो दोनों ये जो ये टीम को मिला, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने लास्ट का मैच खेले उन दोनों को मिला है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच की बात करें तो किसको मिला, हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच मिला। फास्टेस्ट डिलीवरी लॉकी फर्गसन, ये याद कर लो, लॉकी खा के हम फास्ट फास्ट चलने लगते हैं। ठीक है, परफेक्ट कैच एविन लुइस, प्लेयर पे अवार्ड गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, मैन ऑफ द मैच की बात करें तो कौन थे, हार्दिक पांड्या जी। चलो भैया अब ये देखो, ये कितनी कितनी बार कौन कौन सी टीम जीती है मैचेस वो लिखा हुआ है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो 5 बार जीत चुके हैं। अब इसका याद कर लो, 13, 15, 17 सारा और चल रहा है, देखा 19 और 20, 5 बार ये मैच जीत चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो 4 बार, लास्ट वाला मैच इसीलिए जीता है 2021 वाला। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 2 बार, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 1 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार, डेक्कन चार्जर्स 1 बार और गुजरात टाइटंस की बात करें तो 1 बार। ये तो इनका नया नया अभी अभी आया और ट्रॉफी ले गए अपने साथ में। तो इसी के साथ हमने IPL से जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल खत्म कर लिए, छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो चैनल पर पहली बार आया वो क्या करेगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, प्रेस कर देना, इससे जो भी वीडियो आएगी वो क्या हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्या लिखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, भूलना मत बिल्कुल भी। फटाफट से सब लोग लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।